everyone, I hope everyone is doing good. This is one more lesson in the course percentage for SSC CGL presented by me, Amit Uttam. So, यहाँ पे इस लेसन में मैं फिर से कुछ percentage से related different type के questions को discuss करूँगा, different types के questions के बारे में समझेंगे और इनको अच्छे से आपको पहचानना है कि ये question किस तरह के हैं और इस तरह के questions में ऐसे ही method use करने, because this is the best method for these questions. So, if a student score 36% marks, then he failed by 32 marks. But when he scores 48% marks, he is passed by 64 marks. Okay? तो similar question हमने previous lesson में start किए थे. तो यहाँ पे कुछ और question इसके example देखते हैं. 36% को लिखते हैं. और 36% जब marks होते हैं, तो उसको 32 marks कम रह जाते हैं. तो हम minus 32 इसलिए इसको लिखते हैं. 48% marks जब आते हैं, तो उसके पास extra कितने 64 marks हो जाते हैं, plus में हो जाते हैं. तो इसलिए हमने इसको प्लस लिखा है, एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हो जाते हैं. तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं जो कि कितना आता है 12%. ठीक है, और यहाँ पे भी डिफरेंस ही लेना पड़ेगा और यहाँ पे डिफरेंस लेने के चक्कर में क्या होता है, चीज़ें जुड़ जाती हैं, बिकॉज एक माइनस है और एक प्लस है, तो चीज़ें जुड़ जाती हैं और 96 आ जाता है. तो 12% की यूनिट की वैल्यू 96 है, तो 1% कितने के इक्विवेलेंट होगा, 8 के इक्विवेलेंट होगा. तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द पासिंग परसेंटेज. ओके, तो पासिंग परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 36% मार्क्स तो थे, प्लस क्या होता था कि 32 मार्क्स कम रह जाते थे. तो अगर ये 32 मार्क्स का परसेंटेज निकाल के हम इस 36 में जोड़ दें तो क्या होगा कि हमारा टोटल पासिंग मार्क्स को तक पहुंच जाएंगे, तो वही हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा. तो 32 को अगर नंबर्स हैं, इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 8 नंबर की वैल्यू 1% है, तो 32 की कितनी हो जाएगी, 32/8 करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ से 8 से कट करेंगे, 4 आएगा, तो ये 4% आ जाएगा. मतलब हमारा क्या, ये 32 मार्क्स जो थे वो क्या है, 4% के इक्विवेलेंट है. ठीक है, 8 × 32, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 32 मार्क्स आ जाएंगे और यहाँ पे 4% आ जाएगा. तो अब हमारे पास क्या है कि 36% मार्क्स जब उसने स्कोर किया, तो 4% मार्क्स मतलब 32 मार्क्स कम रह गए. तो हम क्या करेंगे, अगर 4% इसमें जोड़ दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पासिंग मार्क्स पे पहुँच जाएंगे और ये पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो दैट विल बी 40%. फर्स्ट स्टेटमेंट 36% मार्क्स फेल्ड बाई 32 मार्क्स पासिंग मार्क्स. ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स अगर आपको निकालना पड़ जाए, ठीक है, कि पासिंग मार्क्स क्या है एग्जैक्टली, तो आप क्या करोगे, आप फिर ये परसेंट को मार्क्स में कन्वर्ट करोगे. तो परसेंट को मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए 1% की वैल्यू 8 है, तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36% की वैल्यू 36 × 8 हो जाएगी, और प्लस हमको 32 मार्क्स जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो हम पासिंग परसेंट पासिंग मार्क्स पे पहुंच पाएंगे. तो वो क्या होगा, 288 + 32 = 320 मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया. अब टोटल मार्क्स आपके पास हैं, पासिंग मार्क्स हैं और टोटल कंप्लीट मार्क्स हैं. कंप्लीट मार्क्स कैसे है, आपके 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% मतलब टोटल 100% जितने का पूर्णांक होगा तो वो कितना, 800 हो जाएगा. तो आप ऐसे भी पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं और दैट विल आल्सो कम 40%. तो ये तरीका थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि हम अननेसेसरी चीज़ों को पहले तो कन्वर्ट करते हैं दूसरी चीज़ में, फिर से वापस आके फिर वही सेम परसेंटेज में लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा डबल वर्क हो जाता है. ठीक है, तो ये स्मार्ट वर्क हमको ध्यान रखना है कि चीज़ें हमको दो बार नहीं करनी है, बिकॉज आप क्या होते हो, उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हो, तो आप ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कि कुछ चीज़ों को आप दो बार कर रहे हो. ठीक है, कैलकुलेशन, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है और इस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने इस कोर्स के क्वेश्चन को सोल्यूशंस को डिसाइड किया है. ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरी चीज़ को भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, वो क्या था, 48% को सॉल्व करके आप कर सकते थे, बट वहाँ पे 64% मार्क्स एक्स्ट्रा थे, तो आप 64 को आपको क्या करना चाहिए था, 64 को आप पहले कन्वर्ट करते परसेंटेज में. ठीक है, तो वो क्या आता, 8% आता. 48 में 8% माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये 64 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए. ठीक है, ज़्यादा हो गया पासिंग परसेंटेज से, तो पासिंग परसेंट तक आने के लिए आपको ये मार्क्स को माइनस करना पड़ेगा. तो समझ में आती है चीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही फेल्स बाय 5 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 40% मार्क्स ही गॉट 10% मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज एंड मैक्सिमम मार्क्स. ओके, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सिंपल है, फिर वही तरीका होना चाहिए हमारा कि
30% मार्क्स हैं तो हम कम रह जाते हैं कितने से, पास नहीं हो पाते, 5 मार्क्स कम रह जाते हैं, और 40% मार्क्स लाए तो हम 10 मार्क्स एक्स्ट्रा एक्सीड कर जाते हैं, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना, 15 के बराबर हो गया, तो 1 की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। तो अगर हम 100% की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पासिंग परसेंटेज अगर निकालना है तो 30% तो हमारे पास है ही, और 5 मार्क्स की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद 10/3 आता है, जो कि 3/1/3% बचता है, ठीक है। तो 30% में हमें 30% में ये हमें 3 1/3% को ऐड करना पड़ेगा, वो चीज़ आप समझ रहे हो, क्योंकि 5 मार्क्स को हमको ऐड करना पड़ेगा तभी हम पासिंग परसेंटेज पे पहुंच पाएंगे, पासिंग मार्क्स पे पहुंच पाएंगे, पास हो पाएंगे, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 33 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर टू टाइप ऑफ एनिमल्स इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स, ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स एंड ईच डॉग टेक्स 9 बिस्किट, ओके। If 355 biscuits are consumed by 45 animals, find the number of cat and dogs individually, okay? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि दो तरह के जानवर हैं, एक रूम है जिसमें दो तरह के जानवर हैं, कैट्स हैं और डॉग्स हैं, ठीक है। तो कैट्स को 7 बिस्किट खिलाए जाते हैं और डॉग्स को 9 बिस्किट्स खिलाए जाते हैं ईच डॉग को। तो कह रहा है कि उनके नंबर्स आपको पता नहीं है कि कितनी कैट है कितनी डॉग है, बट टोटल अमाउंट बता रहा है कि 355 बिस्किट कंज्यूम हुए, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि कितनी कैट्स है कितनी डॉग है, जबकि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आपको पता है कैट और डॉग मिला के 45, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि 45 टोटल हमारे पास एनिमल्स हैं, तो कैट होंगी और डॉग्स होंगे। अब कितने कितने हैं वो नहीं पता, कैट को 7 बिस्किट ईच मिलते हैं और डॉग को 7+2 मतलब 9 बिस्किट मिलते हैं, तो हमने उसको इस फॉर्म में लिखा कि 7 तो उसको हर डॉग को मिलते ही मिलते हैं, 2 एक्स्ट्रा हर डॉग को मिलते हैं, ठीक है। तो 7+2, अगर हम ऐसा सोच लें कि डॉग और कैट को सिर्फ 7 बिस्किट मिल रहे हैं, मतलब दोनों को ही 7-7 खिला रहे हैं, तो कितने बिस्किट कंज्यूम होंगे, ठीक है। तो टोटल 45 एनिमल थे और हर को हमने अब 7 ही खिलाना शुरू कर दिया, तो टोटल कितना कंज्यूम होगा, 315 कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग बिस्किट कितने बचेंगे, 355 कंज्यूम हुए थे, अभी हमारे केस में 315 हो रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने कंज्यूम बचे, वो 40 बिस्किट और कंज्यूम होने हैं। अब ये 40 बिस्किट कौन खाएगा, जिनको एक्स्ट्रा बिस्किट मिल रहे होंगे, किनको एक्स्ट्रा बिस्किट मिल रहे हैं, वो हमारे डॉग्स हैं, डॉग्स को ही एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है, ठीक है। और हर डॉग को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो अगर 40 बिस्किट में हम 2 से डिवाइड करें, हर डॉग को 2 मिल रहा है और 40 टोटल बिस्किट हैं, तो 40 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ डॉग्स आ जाएंगे, मतलब अगर 20 डॉग होंगे और हर एक को 2-2 खिलाने हैं, तो 40 बिस्किट ख़त्म हो जाएंगे कि नहीं, तो हमारे पास डॉग्स की नंबर कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और कैट्स की नंबर फिर हम क्या करेंगे, 45 टोटल हैं, टोटल में हम माइनस करेंगे 20, तो यहाँ से 25 कैट्स का नंबर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें क्या करना है कि जिनको एक्स्ट्रा मिले हैं वो एक्स्ट्रा कंज्यूम बिस्किट में उस पर्टिकुलर ईच को जितना जितना मिल रहा है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा वो नंबर आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एलिगेशन यूज नहीं करेंगे, हम एलिगेशन चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन को लेकर वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, क्योंकि एलिगेशन वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है सम क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन इजी पड़ता है, तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये तरीका काफ़ी इजी है। इन अ जू देर आर रैबिट्स एंड पिजियंस, इफ हेड्स आर काउंटेड देर आर 280 हेड्स, इफ लेग्स आर काउंटेड देर आर 820 लेग्स, हाउ मेनी पिजियंस आर देयर, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तब देखेंगे कि ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब क्यों डिफरेंस नहीं है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। पिजियंस एंड रैबिट्स, अगर हेड देखा जाए तो एक बंदे का एक ही हेड होगा, पिजियन हो या तो रैबिट हो, सबका एक ही हेड होगा, ठीक है। तो अगर काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने आएंगे, जितने हेड होंगे, ठीक है, तो 280 टोटल नंबर्स ऑफ एनिमल होंगे। अब लेग की बात करते हैं, तो ठीक है, रैबिट के और पिजियंस में, तो हमारे पास यहाँ पे पिजियंस पे क्या होंगे, 25 या 2 लेग होंगे, और रैबिट के 4 लेग्स होंगे, ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा लेग रैबिट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो लेग्स की काउंट है वो 820 है,
ठीक है। तो अब देखते हैं 280 टोटल नंबर्स ऑफ एनिमल्स हैं जिसमें कि पिजियंस हैं और रैबिट्स हैं। ईच पिजियन 2 लेग रखता है और रैबिट कितने 2+2 मतलब 4 लेग्स रखते हैं, इसलिए 2+2 मैंने लिखा है। अब अगर हम ये मान के चलें कि सबके पास दो दो लेग हैं तो कितने लेग होंगे काउंट हो जाएंगे, तो 280 एनिमल्स इंटू 2 560 लेग्स हो जाएंगे अगर दो दो मान के चलें। तो एक्स्ट्रा लेग कितने बचे, 260 एक्स्ट्रा लेग बढ़ रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा लेग किसके पास होंगे, ये हमारे रैबिट्स के पास होंगे। और हर रैबिट के पास कितने एक्स्ट्रा लेग होंगे, 2 एक्स्ट्रा लेग होंगे। तो अगर रैबिट का नंबर काउंट करना है तो एक्स्ट्रा लेग में हम क्या डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज दो दो हर दो एक लेग एक बंदे को काउंट करता है, ठीक है। दो लेग क्या कर रहा है, एक बंदे को काउंट कर रहा है, एक रैबिट को काउंट कर रहा है। तो इसलिए हमें अगर रैबिट का काउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टोटल लेग्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ईच एक्स्ट्रा लेग के बारे में। तो यहाँ से 260/2 130 रैबिट्स आ जाएंगे। और पिजियंस की वैल्यू अगर निकाल ली है तो हम टोटल हमें एनिमल्स पता है उसमें हम रैबिट्स को माइनस करेंगे तो पिजियंस की वैल्यू आ जाएगी 150। ओके, तो दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस में इस तरह का वेरिएशन होता है, लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाएगी क्वेश्चन की और आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है, बट इट इज़ नॉट, वो नया क्वेश्चन नहीं है। बट आपको बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है इस चीज़ को, और ऐसे क्वेश्चन जब आप कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, बार बार करेंगे, तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000, इफ मेल आर इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाई 9%, देन पॉपुलेशन बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ओके, तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी तरह का है, बिल्कुल उसी तरह का है, बस क्या है कि इसकी भी लैंग्वेज बिल्कुल अलग तरह की है, और समझ अगर पढ़े तो लगता है कि फर्स्ट टाइम पढ़े तो लगता है कि नया क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है टाउन की, 6000 है, जिसमें कि मेल और फीमेल है। बोलता है मेल 5% से इंक्रीज हो रहे हैं बट कि फीमेल 9% से इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, फीमेल को 5% और 4% से इंक्रीज करवाते हैं, 5+4 9% से, ठीक है। अब हम ऐसा सपोज करें कि टोटल पॉपुलेशन 5% से इंक्रीज हुई है, मतलब मेल और फीमेल दोनों 5% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कितना इंक्रीज होगा। तो 6000 का 5% हम अगर कैलकुलेट करें तो क्या आता है, 300। तो 5% इंक्रीज की वजह से 300 इंक्रीज हुआ, ठीक है। बट टोटल इंक्रीज हमारे पास कितना है, 6500 - 6000 500 टोटल इंक्रीज है, मतलब अमाउंट इंक्रीज जो है एक्चुअल में वो 500 है। पर अगर हम 5% वाला इंक्रीज देखें अगर टोटल पॉपुलेशन में, तो 300 ही आता है। तो एक्स्ट्रा 200 इंक्रीज किस वजह से हुआ, केवल फीमेल की वजह से हुआ होगा, और फीमेल के 4% की वजह से हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल का 4% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है। तो इस 4% की वजह से इंक्रीज कितना होगा, 200 होगा, और किसकी वजह से, फीमेल की वजह से। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो 1% फीमेल के इंक्रीज की वजह से कितना, 50 मेंबर्स बड़े होंगे। तो 100% फीमेल की वैल्यू कितनी होगी, वो 5000 आ जाएगी। मतलब इसका क्या मतलब है, 4% अगर फीमेल अगर देखी जाए तो वो 200 के बराबर है। 1% फीमेल का देखा जाए तो 50 के बराबर है। तो 100% फीमेल कितने के बराबर होंगी, 5000। और हमें यही कैलकुलेट करना था, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो फीमेल अगर 5000 है, टोटल 6000 थे, तो मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। या फिर हम मान लेते हैं कि फीमेल का नंबर कितना है, टोटल एफ है, और एफ का अगर हम 4% देखें तो कितना, 200 आना चाहिए, बिकॉज 4% इंक्रीज की वजह से ही 200 नंबर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये कट करेंगे तो यहाँ से सीधे आपकी एफ की वैल्यू 5000 आ जाएगी, और मेल की वैल्यू हम फिर से माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज और उस तरीके को समझना है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 9600, इफ मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5%, द पॉपुलेशन विल बिकम 10272, ठीक है, इफ वन इन 1 ईयर 10272 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन आपको 9600 दी हुई, और कह रहा है कि मेल के इंक्रीज करने का रेट क्या है, 8%, और फीमेल के इंक्रीज करने का रेट क्या है, 5%। तो हम क्या करते हैं, 96,000 में फीमेल और मेल दोनों होंगे,
तो फीमेल का रेट का इंक्रीज करने का 5% है और मेल का हम 8% को ब्रेक करके 5% प्लस 3% लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों में हमको क्या 5% इंक्रीज दिख रहा है, तो ये कॉमन इंक्रीज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। कॉमन इंक्रीज को ये वन ईयर में कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल पॉपुलेशन इंटू जो रेट होता है 5/100 करते हैं, तो यहाँ से 480 कॉमन इंक्रीज आ गया। कॉमन इंक्रीज के बाद जो एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज हमारे पास कितना है, 10,272 माइनस 9600, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो 672 हमारा टोटल इंक्रीज आएगा। इस टोटल इंक्रीज में हम 480 जो कॉमन इंक्रीज है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो इंडिविजुअल इंक्रीज है, एक्स्ट्रा इंक्रीज है मेल की वजह से, वो आ जाएगा। बिकॉज मेल की वजह से 3% मेल की वजह से जो इंक्रीज आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो मेल की पॉपुलेशन होगी उनका 3% अगर इंक्रीज होगा तो वो कितना 192 के बराबर आएगा। मतलब 3% ऑफ मेल इक्वल टू 192, ठीक है। तो 1% ऑफ मेल विल बी 64, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 100% ऑफ मेल कितनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% ऑफ मेल की वैल्यू 6400 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मेल फीमेल कितने थे, 9600 थे, जिसमें कि 6400 मेल हैं, तो फीमेल की वैल्यू 3200 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, 3200 फीमेल और मेल 6400। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट, तो मेल की वैल्यू सीधे 6400 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक ये डिफरेंट टाइप यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टाइप जो अभी तक सीख रहे थे उससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। द प्राइस ऑफ sugar इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं पहले कि लेंथ में इतना इंक्रीज होता है, ब्रेथ में इतना इंक्रीज होता है, तो हमारे एरिया में क्या चेंज आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, तो वो सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। तो वहाँ पे क्या होता था कि दोनों चीज़ें इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती हैं, एरिया कांस्टेंट भी हो सकता है या इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता है, तो हम क्या करते थे, दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो हमें जो प्राइस और कंजम्पशन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तभी एक्सपेंडिचर आएगा। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बट वहाँ पे क्या होता था कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होता था वो चेंज हो जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। और फिर बाकी जो वैल्यूज हैं, तो वेरिएबल्स हैं, उनको हम चेंज कर रहे हैं। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करना है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हल्का सा, और क्वेश्चन को यहाँ पे ईजिली उससे भी पहले वाले से क्वेश्चन को हो सकता है किया जा सकता है, बट ये बहुत ही ईजी तरीका है जो कि हम फॉलो करेंगे, और इससे इस क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशन को भी बहुत ईजिली हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक्सपेंडिचर जो हमारा टोटल फाइनल रिजल्ट है उसको हम कुछ मान लेते हैं कि शुरुआत में जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था तब हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था, ठीक है। और हम ऐसे केस में कंजम्पशन को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, कि मान लो 10 किलो अगर शक्कर 10 किलो शुगर अगर हमारे यहाँ खर्च हो रही होगी तो वो 10 kg ही है। अब प्राइस अगर 10 kg का बढ़ गया 20% से, तो हमारा एक्सपेंडिचर भी 20% से ही बढ़ेगा, क्योंकि हम 10 किलो पहले ले रहे थे तो अभी भी 10 किलो ले रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाएगा। तो 100 हमने इसलिए अज्यूम किया कि उसका 20% सीधे 20 होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने 100 अज्यूम किया। तो बहुत ईजी हो गया कि हम सीधे 120 अपना एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस 120 लिख सकते हैं। तो न्यू एक्सपेंसेस हमारे पास 120 आ गए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है, बढ़ना नहीं है। तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ना नहीं, तो हमें फिर से एक्सपेंडिचर को 100 करना है। अब 100 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइस तो हमारा ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर देंगे। तो अब हम अपने कंजम्पशन को हमने रिड्यूस कर दिया, हमारा प्राइस अब हमारा 120 के अकॉर्डिंग ही हो गया, 20% बढ़ा हुआ प्राइस ही रह गया, बट हमने क्या किया, अपना कंजम्पशन कम कर दिया, 10 केजी से हमने घटा के कुछ कम कर दिया, ठीक है। तो हमारा फिर से एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 100 पहुंच गया। तो यही पूछा जा रहा है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो किस परसेंटेज से कम किया गया। तो पहले हमारा एक्सपेंडिचर 120 था, जो कि इक्विवेलेंट टू कंजम्पशन के हो जाएगा, क्योंकि हमारा चेंज क्या हो रहा है, हमारा प्राइस तो कॉन्स्टेंट रह रहा है,
तो अगर एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है तो वो कंजम्पशन की वजह से चेंज हो रहा है, तो कंजम्पशन भी उसी परसेंटेज से चेंज होगा। ये चीज़ का हम यहाँ पे यूज करते हैं। और 120 से 100 एक्सपेंडिचर में कितना एक्सपेंडिचर हमने कम किया, 20 कम किया, 20 कम किया। और हमारा रेफरेंस क्या था, कहाँ से कम किया, 120 से कम करके 100 पे ले गए, तो 120 हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो हम अगर परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन निकालेंगे तो क्या होगा, 20/120, सो आंसर विल बी 16.2/3%। ओके, तो ये प्रोसेस आपको मैंने अभी समझाया टोटल कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली हैंडल करने की कोशिश करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, देन बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंसेस रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज बोल रहा है कि एक्सपेंसेस को सेम रखना है। तो हमारा एक्सपेंसेस हमने एज्यूम किया 100 है और उससे 30% डिक्रीज हो गया, तो हमारा न्यू एक्सपेंसेस क्या हो गया, 70 हो गया। अब क्योंकि हमें 70 नहीं रखना है, हमें 100 ही रखना है क्योंकि चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने कंजम्पशन को क्या इंक्रीज करेंगे, 30 से अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे, 30 से इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा 100 एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो 30 इंक्रीज हुआ किस पे, 70 पे इंक्रीज हुआ, इसलिए हम परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे तो 30/70 × 100, सो दैट विल कम 300/7 42.6/7%। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा। तो अगर हमारा 10 किलो था तो 10 किलो का हम 42.6/7% निकाल के जब ऐड करेंगे तो जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हमारा न्यू कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, ये बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया, तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। और बहुत ही कम चीज़ों को लिख के आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो एज टू एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीज बाई 10%। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि पहले तो हमारा शुगर का प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस का डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा एक्सपेंसेस जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, बट हमें एक्सपेंसेस जितना रिड्यूस हुआ उतना नहीं रखना है, सिर्फ 10% रिड्यूस करना है। तो 10% अगर रिड्यूस करो तो एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए वो पहले कैलकुलेट करेंगे, वो कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। और हमारा प्राइस की वजह से जो एक्सपेंसेस कितना रिड्यूस हो गया वो 70 तक हो गया, तो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये एक्सपेंसेस कैसे इंक्रीज अब करोगे, प्राइस का तो हमारा चेंज ऑलरेडी हो चुका है, तो हम कंजम्पशन को चेंज करके हम अपने एक्सपेंसेस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे वो बात वो क्वेश्चन में भी दी हुई है कि आपको क्या करना है, कंजम्पशन को इंक्रीज करना है सो दैट हमारा एक्सपेंसेस 90 पहुँच जाए। तो एक्सपेंसेस को 90 पहुँचाने के लिए कितना इंक्रीज किया आपने, 20 इंक्रीज किया। और किस वैल्यू से इंक्रीज किया, 70 से स्टार्ट करके आपने उसको 90 पहुँचाया, तो 70 हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 20/70 × 100, सो 28/4/7 विल बी अवर आंसर एंड विच विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन। ओके, सो एज टू एक्सपेंडिचर विल रिमेन 10% रिड्यूस बाई 10% ओनली। तो ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच के जी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज सो एज टू एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज बाई 5% ओनली वेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 के जी ऑफ शुगर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में फिर से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को, बट मेथड हमारे ऑलमोस्ट सेम होंगे और वही मेथड को फॉलो करेंगे, इससे आपको बहुत ईज रहेगी। बहुत सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन में आप सेम मेथड को यूटिलाइज करोगे तो जिससे एरर्स बहुत कम होनी है, बट आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद ही ऐसा होना शुरू होगा। ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये जो लेसन्स हैं इनको कई बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, तब भी आप इस पर सॉलिड हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमने एक्सपेंसेस अपने 100 एज्यूम कर लिए और कह रहा है कि इनकी प्राइस में इंक्रीज 20% का हो रहा है, तो आप एक्सपेंसेस हमारे 20 हो जाएंगे, 20% से इंक्रीज हो जाएंगे। और कह रहा है कि जो फाइनली हमको एक्सपेंसेस रखने हैं वो 5% इंक्रीज ही रखने हैं। तो 100 अगर स्टार्टिंग से ही था, 100 था, तो हमको 5% इंक्रीज ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेट करेंगे कि 5% क्या होता है इनिशियल का, तो 5% 5 होता है तो 105 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 5% 5 होता है, तो हमें 105 एक्सपेंसेस रखने हैं, जबकि हमारे एक्सपेंसेस 120 हो चुके हैं,
तो हम क्या करेंगे, अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे। कितना कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, 120 से 105 पहुंचना है, तो 15 का रिडक्शन होगा, 15 का रिडक्शन होगा। तो हम अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 15 बाय 120 किया जाएगा। ये चीज़ समझ आती है आपको कि 120 क्यों किया जाएगा, बिकॉज हम यहाँ से ही रिड्यूस करके 105 पे पहुँच रहे हैं। तो 120 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 12 1/2%। ठीक है, 12 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/8 लिखा जा सकता है, 1/8 लिखा जा सकता है। तो हमें पता है कि जो परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये क्या है, ये डिक्रीज इन कंजम्पशन है। और आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कितने केजी बाई हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, और ओरिजिनली कितना कंज्यूम होता था, 280 केजी होता था। तो 8 क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल कंजम्पशन होगा, जिसमें कि आपको 12 1/2% घटाना है, मतलब इसका 12 2% डिक्रीज करना है कंजम्पशन। तो डिक्रीज क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर यूनिट के टर्म्स में देखें तो डिक्रीज 1 हो जाएगा, अगर ओरिजिनल 8 होगा तो। ठीक है, तो 8 इक्विवेलेंट हो गया हमारे 280 केजी के, बिकॉज ओरिजिनल कंजम्पशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो रिड्यूस्ड कंजम्पशन जो कि हमसे पूछा गया है, हाउ मच केजी ऑफ, तो यहाँ से हम रिड्यूस कंजम्पशन 1 यूनिट की वैल्यू 35 केजी विल बी आवर आंसर। ओके, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, बट ऐसा नहीं था कि हम हैंडल नहीं कर सकते ईजिली, काफ़ी ईजी वे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाई 30% ड्यू टू दिस, फैमिली यूज 40 केजी लेस सुगर एज सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10% ओनली, फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर से हम क्या करेंगे, 100 रिज्यूम करेंगे एक्सपेंसेस, और 30% प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एक्सपेंसेस 130 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइनल हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज होना चाहिए, 10% इंक्रीज होना चाहिए। तो 130 से तो काम चलने वाला नहीं है, कितने से काम चलेगा, 110 से काम चलेगा, क्योंकि 100 का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा, जोड़ोगे तो 110 आना चाहिए कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको 110 पे पहुँचना है, तो 130 से 110 पे पहुँचने के लिए कितना आपको रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन, वो 20 का रिड्यूस करना पड़ेगा, 20 130 पे। तो आंसर आएगा -2/13। ये आपको फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी है क्योंकि हमें आगे फ्रैक्शन का यूज करना है, बिकॉज हमें कंजम्पशन एक्चुअल में निकालना है। तो 13 हो गया ओरिजिनल कंजम्पशन, 2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, 2 रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस्ड की वैल्यू हमें 40 केजी दी हुई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 केजी। तो हमें अगर ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा जा रहा है तो हम क्या उसका आंसर करेंगे, 13 × 20 260 केजी। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेसन। इफ यू लाइक दिस लेसन प्लीज रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। थैंक यू। और फिर हमें क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो यहां से हमको रिलेट करना है जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे कि क्या है, वो क्वेश्चन इस तरह का है। और जब आप काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा पॉसिबल होगा, आप रिलेट कर पाएंगे। और रिलेट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको तुरंत मेथड पूरा कम्प्लीटली एकदम क्लियरली पता होगा, जिससे कि आपको मिस्टेक्स नहीं होंगी, एरर नहीं होंगी, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है।